नमस्कार दोस्तों, आप सबको कुंदन शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग 10th का एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं एमपी बोर्ड में, उस बेसिस पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे कि आपका दिया हुआ है एक ऐसा है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग आपका है, 14 सेंटीमीटर का आपका एक वर्ग है, और बोल रहा है कि इसमें आपका दो सर्कल, इसमें आपका अर्ध सर्कल यानी सेमी सर्कल, आपका दो सेमी सर्कल इसमें है, दो सेमी सर्कल है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है, तो देखिए इसमें जो 14 सेंटीमीटर यानी 14 का स्क्वायर है आपका, 14 सेंटीमीटर ये साइड है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, तो यदि आप रेडियस की बात कीजिएगा तो ये 7 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका नीचे हो जाएगा, दो दो यहाँ के रेडियस यानी कि ऐसा हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे सेमी सर्कल का, जब आपको सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 πr² होता है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 × में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, 1/2 × में पाई का वैल्यू जो होता है आपका 22/7 होता है, और आर जितना आर आपका दिया हुआ है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 × में आपका 22 का 22 रन दिए और अपॉन में 7 है, और 7 जा आपका 49 हो गया, तो देखिएगा 7 जा 49 यानी कि यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे आपका कैंसिल आउट होकर कितना जाए 11 आ जाएगा, यानी कि 11 × 7 आप कीजिएगा जब, तो आपका यहाँ पे 77 किस में आएगा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी 11/7 आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ का जो क्षेत्रफल निकल गया आपका 77 हो गया, यहाँ का भी क्षेत्रफल 77 हो गया, यानी कि अब अपन लोग क्या करेंगे कि जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है यानी साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में आपका 77 और माइनस में 77 हो जाएगा। देखिएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर, यदि आप 14 का स्क्वायर नहीं जानते तो आप 14 में 14 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 × 4 = 16 कैरी 1 और 4 × 1 = 5 हो जाएगा, और आपका 14 × 14 यानी कितना आ जाएगा आपका 4 × 5 = 9 यानी कि 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 से होता है ना, 4 × 4 = 6 कैरी 1 और 4 × 1 = 5 और 14 ठीक है, 196 होता है, यानी कि 196 में से जब आप 77 और माइनस का 77 घटाएंगे तो देखिएगा 196 और माइनस का 77 और 77 जोड़िए कितना हो जाएगा, जब 77 और 77 को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे आपका 154 हो जाएगा, 7 × 4 = 14 कैरी 1 और 7 × 4 और यहाँ 54 यानी आपका 54 हो जाएगा, जब आप घटाएंगे तो आपका क्या जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों एक बार फिर से इसको समझिएगा, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जब आपको है सेमी सर्कल का, जब आपका पूछता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो 1/2 × πr² होता है, तो 1/2 × π का वैल्यू जो है आपका 22/7 है और इंटू में 7 का आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, अब 7 × 7 = 49 हो गया और यहाँ पे आपका 11 × 2 = कितना हो गया 22, तो यहाँ पे आपका 11 × 7 यानी 77 सेंटीमीटर पर आ गया। अब अपन क्या करते हैं, पूरे का क्षेत्रफल, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले बोलेगा, जैसे रोहम्बस पूछ देगा, पिरामिड बोल देगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले आप समझिएगा कि आप बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। जैसे बोल देगा कि आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो सर्कल काटा गया है, अब बोलेगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है और विड्थ जो दिया हुआ है उसका 28 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले उसमें सर्कल जो ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर का, दो दो सर्कल काटना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि रेडियस, जब आपका एरिया ऑफ द ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल का निकाल लीजिएगा, उसके बाद दो आपका जो सर्कल रहेगा उसको निकाल लीजिएगा, और फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, कम ऑन ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, आप रेक्टेंगल जो दिया होगा, रेक्टेंगल में से आप क्या कीजिएगा, दो जो एरिया होगा सर्कल का वो घटा दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे क्लास ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।